जानते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसका सेवन अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, जोड़ों में घुटनों में दर्द भविष्य में कभी भी नहीं होगा, आर्थराइटिस गठिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, घुटने आपके कमजोर नहीं होंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपके शरीर में वात नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेंगे उस चीज के बारे में। तो ये है चूना, इसका वैज्ञानिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, अंग्रेजी में इसे लाइम पाउडर कहते हैं। इस सफेद रंग के चूने का इस्तेमाल आमतौर पर हमारे देश में पान पर लगाने में किया जाता है। तो आज हम इस चूने के फायदों के बारे में जानेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पान खाने वाले लोग चूना लगाकर अगर पान खाते हैं तो उनके शरीर में घुटनों में दर्द क्यों होता है, उनकी हड्डियां कमजोर कैसे हो जाती हैं, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी कैसे हो जाती है। तो पान खाने वाले लोगों को आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जर्दा डालकर खाते हैं, तंबाकू डालकर खाते हैं, कत्था डालते हैं, जिससे चूने का फायदा शरीर को नहीं मिल पाता। और दूसरी बात, चूना पान के साथ थूक दिया जाता है, ना कि उसे अंदर लिया जाता है, इसलिए उसके फायदे नहीं मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे चूना खाने के फायदों के बारे में, चूना किस तरह खाया जा सकता है और इसके कुछ नुकसान के बारे में, कब तक खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, कितने दिन तक चूना खाना चाहिए। तो चूना वात के सभी रोगों को खत्म करने में हेल्प करता है, यानी कि कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द हो तो उसको खत्म कर देता है। चूना शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देता है। आयुर्वेद के अनुसार चूना कैल्शियम का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट ही कहा जाता है। वैसे आपको पता होगा कि कैल्शियम की कमी से शरीर में बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं, शरीर में हर तरह का दर्द होने लगता है। कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में अकड़न, हड्डियों का दर्द, हड्डियों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं कैल्शियम की कमी से होती हैं। इसके अलावा खून का गाढ़ा होना, खून का गंदा होना या फिर खून का कम होना, ये भी शरीर में कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट है जो शरीर में होने से बाकी के सभी विटामिन और मिनरल हमारे लिए उपयोगी होते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन ए का असर दिखे तो आपके शरीर में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि विटामिन सी, विटामिन बी, प्रोटीन, आयरन सभी का असर आपके शरीर में दिखे तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होना ही चाहिए। तो इसलिए आपको हमेशा अपने कैल्शियम की जांच कराते रहना चाहिए, हर 6 महीने में विटामिन की जांच करवाते रहें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके शरीर में कौन से विटामिन की कमी है और उस विटामिन की कमी को आप फूड के द्वारा या फिर सप्लीमेंट के द्वारा पूरा कर सको। क्योंकि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं ये सारी पोषक तत्वों की कमी से होती हैं या फिर जेनेटिक होती हैं। तो जेनेटिक को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन पोषक तत्वों की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसे हम रोक सकते हैं। इसके अलावा चूना आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता, शरीर में कभी भी वात नहीं बढ़ेगी, आपके जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगा, इसके सेवन से आपके शरीर में जिंदगी में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अगर किसी इंसान की हड्डी टूट चुकी है या फिर हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी हैं तो उनको रोजाना चूना जरूर खाना चाहिए, ये हड्डियों को बहुत जल्दी जोड़ भी देता है और हड्डियों को मजबूती भी देता है। अगर आपके घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया की समस्या हो गई है जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, तो आपको रोजाना चूना जरूर लेना है। इसके अलावा अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, दांतों में बहुत ज्यादा ठंडा या फिर गर्म एहसास होता है, तो भी आपको चूने का सेवन रोजाना करना है। अगर आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो चूना शरीर में जितनी भी गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, उसको बाहर करने का काम करता है। जब हमारे शरीर के अंदर खून के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो बुरे कोलेस्ट्रॉल के कारण बढ़ती है और उसे दूर करने के लिए चूना बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप शरीर में ट्राइग्लिसराइड को घटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप रोजाना चूने का इस्तेमाल करें। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो गर्मी के मौसम में आप जरूर मिट्टी के मटके का इस्तेमाल करते होंगे, तो मिट्टी के मटके में पानी भर दें और इसमें चुटकी भर चूना डाल दें, 3 से 4 ग्राम की मात्रा में 1/4 चम्मच के करीब चूना डाल दें और मटके का पानी आप भी पिए और पूरे परिवार को पिलाएं। शरीर में कैल्शियम की कमी कभी हुई और आप इन सभी बीमारियों से बचे रहेंगे, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखें, 3 से 4 ग्राम की मात्रा में ही आप पूरे मटके में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा 8 दिनों तक करना चाहिए, इसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो कैल्शियम ज्यादा बढ़ने की वजह से भी नुकसान होते हैं। पत्ते की समस्या हो सकती है तो 60 दिन से ज्यादा इस्तेमाल में न लाएं। जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है उन लोगों को चूना जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इस उम्र के बाद हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने
लगती है, मिनरल्स की कमी होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप रोज 1 ग्राम की मात्रा में चूना खाना शुरू करें। आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो भी आपको चूना जरूर खाना चाहिए। ये शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा शुगर की बीमारी की वजह से हमें क्या होता है, खाने पीने की आजादी नहीं होती, हमें बहुत सी चीजों को छोड़ना होता है, तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। और शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, क्योंकि पोषक तत्व प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं बॉडी को। तो इसी तरह कैल्शियम की कमी भी आपके शरीर में ना हो तो आपको चूना खाना चाहिए। इससे कैल्शियम की कमी तो पूरी होगी ही और शरीर में शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही चूने का एक और फायदा है, ये पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी को दूर करने के लिए उन्हें रोजाना 60 दिन तक 1 ग्राम चूने को गन्ने के रस में मिलाकर पीना चाहिए। तो आप 1 कटोरी दही लें, उसमें 1 ग्राम चूना मिलाएं और पी लें। 1 ग्राम चूना मतलब 1 गेहूं के दाने के बराबर, यानी कि चावल के दाने के बराबर। इससे ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं लेनी है। इसे मिक्स कर लें, इसे खा लें, दही में दाल में मिक्स करके आप इसको ले सकते हैं रोजाना 60 दिन तक। इससे अंदरूनी कमजोरी भी दूर होगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और शरीर में चुस्ती फुर्ती भी बनी रहेगी। इसके साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी चूना रामबाण है। प्रेग्नेंट महिलाएं अगर अनार के जूस में 1 ग्राम की मात्रा में चूना मिलाकर लगातार पीती हैं, तो इससे मां और होने वाले बच्चे को फायदा होगा। चूने में कैल्शियम होता है जो बच्चों के विकास में बहुत फायदा करेगा। हड्डियों के साथ साथ बच्चों का दिमाग भी तेज होगा और डिलीवरी में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जिनकी बॉडी में ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से स्वेलिंग आ चुकी है, सूजन आ चुकी है, फैटी लिवर हो गया है, लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा और आप लिवर की सूजन को दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए चूना बहुत फायदेमंद है। आप गन्ने के जूस के अंदर चूना डाल लें, इसे मिक्स कर लें और पी लें, लगातार 60 दिन तक पिए। इससे आपके शरीर को जबरदस्त फायदे होंगे, चेहरे की स्वेलिंग, फैटी लिवर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, लेकिन साथ ही अल्कोहल पीना भी आपको छोड़ना होगा। अगर आप गन्ने के जूस में मिक्स नहीं करना चाहते तो आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर 1/2 चम्मच गुड़ घोल लें और आप इस चूने का 1 ग्राम लें और इसे घोलकर दिन में कभी भी पी लें। अगर आप सुबह पियेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसके साथ ही आपके शरीर में खून की कमी है तो भी आप चूने का इस्तेमाल करें। आपको अनार के जूस के साथ इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए 1/2 गिलास अनार का जूस लेना है, उसमें गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है और इसका सेवन करना है लगातार 15 से 20 दिन तक करना है। इससे शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी, प्लेटलेट्स आपके बढ़ जाएंगे, हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, फोड़े फुंसी हो गए हैं, तो भी चूना बहुत फायदेमंद है। बच्चों के दिमाग को शांत करने के लिए या फिर बड़े लोग भी अपनी मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी चूना बहुत ही फायदेमंद है। या फिर जिनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, हाइट ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वे लोग भी चूने का सेवन करें तो बहुत फायदा होगा। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो क्वांटिटी 1/2 से भी 1/2 करें। ध्यान रखें कि क्वांटिटी का जो 1 ग्राम बताया है ये एडल्ट लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए। इसके अलावा ध्यान रखना है कि आपने ड्राई चूना इस्तेमाल नहीं करना है, गीला चूना ही इस्तेमाल में लाना है। आप पान की दुकान में जाएं, वहां से 1 या 2 रुपए का चूना लेकर आएं, उसे इस्तेमाल में लाएं। चूना आप पानी में घोल कर ले सकते हैं, दही में डालकर ले सकते हैं, दाल में घोल कर ले सकते हैं, गन्ने के जूस में ले सकते हैं, अनार के जूस में ले सकते हैं, लेकिन चूने को कभी भी दूध में डालकर नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे शरीर के 70 से 80 भी ज्यादा बीमारियों को ये खत्म कर देता है। शुगर, कोलेस्ट्रोल, हाई ब्लड प्रेशर, खून का गाढ़ा होना, गंदा होना, लिवर की प्रॉब्लम, वात रोग, शरीर में कैल्शियम की कमी, ये सारी प्रॉब्लम्स बस आप चूने के जरिए दूर कर सकते हैं। सावधानी की बात की जाए तो सबसे पहले क्वांटिटी का ध्यान रखिए, 1 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है, यानी गेहूं के दाने के बराबर आपको लेना है। दूसरी बात, जिनको पथरी की प्रॉब्लम है, जिनको पथरी पहले भी हो चुकी है, किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम है, तो वो लोग चूने का इस्तेमाल ना करें। और चूने का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं तो लगातार 60 दिन तक ही करें, इससे ज्यादा समय तक ना लें। तो आई होप आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।